हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ रिक्रूटमेंट आई है, यानी कुछ वैकेंसीज आई है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट की है और ये परमानेंट वैकेंसी है। सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे ही हमसे जनरली क्वेश्चन पूछते थे कि क्या सर, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में क्या बिना टीचिंग के किसी पोस्ट के जॉब नहीं कर सकते? कर सकते हो, मैंने उस समय भी आपको बोला था। सो गाइज, इससे पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी जब भी मैंने आपको बताया था। सो गाइज, नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कॉलेज है उसमें एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 19 वैकेंसीज है जो कि परमानेंट आई है और वो नॉन टीचिंग पोस्ट की रहने वाली है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली यही बात करने वाले हैं कि किस चीज़ की ये वैकेंसी आई है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये ऐसे तमाम सवाल जो आप लोगों के मन में इस वीडियो को देखने के बाद में अब आ रहे होंगे, ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आपको कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे और जो इंटरेस्टेड हैं इन पोस्ट के लिए जो मैं भी आपको बताऊँगा, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो भेज सकते हैं किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू या फिर जनरल डाक जो है इसके थ्रू, मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरी बात, कब तक भेज सकते हैं, तो 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 16 जुलाई ही इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किसके थ्रू भेजना है, तीन मेथड आपको बताए गए हैं, पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू या फिर आप डाक के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं अब वैकेंसीज की डिटेल्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चार वैकेंसी ऐसी आई हुई है जिसमें सिर्फ एक एक कैंडिडेट को ही चुना जाएगा। कौन कौन सी पोस्ट है, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दूसरा है आपका सीनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट, और तीसरा है आपका सीनियर असिस्टेंट, और चौथा है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर। सो इनकी सिर्फ एक एक ही वैकेंसी है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे टेबल, एकॉम्पनिस्ट के लिए कितनी है, तीन है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए चार है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए क्या है, चार है, और इसके साथ साथ लाइब्रेरी आपका अटेंडेंट के लिए कितनी, चार पोस्ट है। तो ये पोस्ट की बात रही। अब आपको कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन है वो आपको प्रिंसिपल को भेजना है, मैं उस एप्लीकेशन के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसने कितने पैसे पे करना है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। चलिए अब उसके बारे में। सो गाइस, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं किस कैंडिडेट को कितनी फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप अप्लाई करते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो OBC के कैटेगरी में आते हैं या EWS के कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो फीमेल हैं उन्हें 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो SC ST या PWD की कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ कि ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है ये आपका करोलबाग के अंदर स्थित है। तो गाइज, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से चलाई जाती है। यहाँ पर जैसे आप इस पर आएंगे, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको यहाँ पर आने के बाद में ऊपर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो इस पर क्लिक कर देंगे, आपसे एक नोटिफिकेशन आपका PDF एक डाउनलोड होगा, आप इसको जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आप देखेंगे नीचे यहाँ पर कि आपको एक इंडेक्स मिलेगा। इस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे हर एक सेक्शन को अच्छी तरीके से बताया गया है कि आपको नॉर्मल इस पोस्ट जो पोस्ट निकली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले तीन पेजेस में दी गई है। दूसरी बात, इसके बाद फिर आपको कैटेगरी है पोस्ट की वो बताई गई है 4 से 5 पेज नंबर में कि भाई क्या कैटेगरी रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पोस्ट और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात हुई है कि भाई किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सेक्शन जो D है इसके अंदर आपके एग्जामिनेशन किस तरीके से होंगे, किस पोस्ट के, इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नीचे जनरल कंडीशन क्या होनी चाहिए एक एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए,
और फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है जो आपको इनके कॉलेज को गाइस अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन एक तो आपका थर्ड वाला है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके बाद तो और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है लास्ट के, तो डायरेक्टली मैं इनको बताना चाहूँगा और बाकी जितने भी बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 38 पेजेस का पूरा PDF है। अगर मैं रीड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट बात है सीधा हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सेक्शन सी है अगर आप देखेंगे 6 से 9 पेज नंबर में, तो डायरेक्टली हम 6 से 9 पेज नंबर निकालेंगे, उस पर जाएंगे, ये आगे हम 6 पे। तो यहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है इसके पोस्ट के लिए क्या इसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए और आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पास में 55% मार्क्स होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास में बी ग्रेड होने चाहिए कि इसमें UGC 7-point स्केल के अंदर वो आती हो। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर कुछ और भी बताई गई है चीज़ें कि जैसे आप लोगों ने पोस्ट बी के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, रिसर्चर्स में, तो अपने आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में LLB या फिर MBA या फिर CA या इस तरीके की MPhil वगैरह की कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसे और भी क्वालिफिकेशन और भी पोस्टेस हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, तो इनके लिए क्या एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से कर रखी है, इसके साथ में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे 10 मिनट में आपके पास में एवरेज जो स्पीड बताई गई है 10 मिनट पे आप कम से कम 100 वर्ड्स जो क्या कर लें, 1 मिनट में टाइप कर लें, टाइपिंग के लिए बताई गई है। और इंग्लिश और हिंदी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल होती है, हिंदी में थोड़ी मुश्किल होती है और इंग्लिश में थोड़ी इजी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और भी पोस्टेस ऐसे लिखी हुई है। इसके बाद में सीधा मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ यहाँ पर जो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म वाले, आप इस वाले कॉलम को इस तरीके से देख लेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर है 34 पेज नंबर पे, तो डायरेक्टली हम 34 पेज नंबर निकालेंगे और एडमिट कार्ड की बात करेंगे जो कि 38 पे, तो 34 पे हम सीधा जाएंगे यहाँ पर जम करके 34 यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये सेक्शन F है, यहाँ पर एप्लीकेशन का बताया गया है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो पेस्ट होगी, यहाँ पर आपके आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यहाँ पर आपका DD आपको जो पैसे पे करने हैं इनको वो डिमांड एंड ड्राफ्ट के थ्रू करने हैं, उसे बोलते हैं DD, तो उसका नंबर लिखना है यहाँ पर, किस डेट को है, कितनी फीस पे करी है, किस बैंक से इशू हुआ है, किस फेवर में हुआ है, किस लिए हुआ है, किस पोस्ट के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, आपके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका ईयर यानी एज में लिखनी है आपको, नेशनलिटी, जेंडर वगैरह, ये जो कॉमन सी बात है आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है। फिर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन मस्ट भी ईमेल आईडी आपको देनी है, मोबाइल नंबर देना है, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसी ही डिटेल्स आप लोगों को देनी होगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके साथ साथ में अगर आपने शॉर्ट हैंड वगैरह सीख रखी है, टाइपिंग स्पीड है आपकी, तो आप यहाँ पर ये भी इसको मेंशन कर सकते हो। सो जिन बच्चों ने शॉर्ट हैंड्स वगैरह सीख रखी है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इजीली कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट में आपको अनफेयर मीन्स एक डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेरेशन देने के बाद में आप यहाँ पर एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साइन करेंगे कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एज पर द सेम। इसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड के बारे में बताई गई, तो एडमिट कार्ड में आपका यहाँ पर किस तरीके से आएगा, आपका एडमिट कार्ड जब इशू होगा तो ऊपर आपको एक लिंक वाला मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में इस वीडियो के, तो वहाँ पर आपको इशू होगा कि यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पर आपके क्या कहते हैं एग्जाम का डेट लिखा जाएगा और साथ साथ आपका एग्जाम का सेंटर कॉलेज में ही पढ़ने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी फ़ोटो पेस्ट होगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी, एप्लीकेट करने में यानी आपका नाम, फिर यहाँ पर जनरल सी बात है आप फिल कर लोगे। डायरेक्टली फर्स्ट पेज पर हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया था जैसे कि भाई अगर आप लोगों को कोई भी जैसे एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड से, रोल नंबर से रिगार्डिंग कुछ चीज़ चेक करनी हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ से इशू होगा, एग्ज़ाम की टाइमिंग आपको यहाँ से पता चलेगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड डेट जो होगा वो यहाँ से पता चलेगा, तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ से पता चल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।